हेलो स्टूडेंट, आज बच्चों क्वेश्चन करते हैं लॉगरिथमिक का और क्वेश्चन हल था आपका ये। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन क्या दे रखा आपको, ए और बी क्या है लेंथ ऑफ साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एंड सी इज द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज देन और कंडीशन क्या रखी बेटा, सी माइनस बी इज नॉट इक्वल टू वन एंड सी प्लस बी इज नॉट इक्वल टू वन, देन आपने प्रूव करना बेटा ये। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गिवन क्या दे रखा है, ए बी और ये जो है लेंथ है, तो चलिए राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं बेटा। आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल ही आई, इसका हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है सी और ये वैल्यू कितनी है ए और बी, ठीक है। अब उसके बाद यहां से पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी ना बेटा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर, ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर, या फिर क्योंकि आपको कंडीशन भी दे रखी है सी माइनस बी और सी प्लस बी वन, जो सी प्लस बी जो वो आपका वन के इक्वल नहीं है, तो मैंने क्या करना है यहाँ पे सी माइनस बी इंटू सी प्लस, ये अगर 1 के बराबर नहीं है तो इनका प्रोडक्ट भी किसके बराबर नहीं है, 1 के बराबर नहीं है, तो मतलब c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज आल्सो नॉट इक्वल टू 1। तो अब यहां से मैंने करना c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर बेटा, a स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम से तो वैल्यू आ गई है। अब उसके बाद आगे आपकी लॉगरिथमिक सीरीज है, तो यहां पे कौन सा फार्मूला लग सकता है, log ऑफ a टू बेस। अब यहां से बेस चेंज फार्मूला आपका यूज हो सकता है, बेस चेंज फॉर्मूला, तो बेस चेंज फॉर्मूला क्या है बेटा, लॉग ऑफ कितना m टू बेस, m इक्वल टू बराबर हो जाता है लॉग ऑफ m अपॉन में कितना लॉग n, ठीक है। तो इसी को आप यहां पे लॉग ऑफ m टू बेस n भी करके लगा सकते हो, या अगर ऐसा दे रखा है तो उसको आप बैक करके भी लगा सकते हो। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इसके बराबर है log of a टू बेस कितना b प्लस c और प्लस कितना है log of a टू बेस c माइनस b, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लेके चला है, ठीक है बेटा। अब उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो जैसे प्रॉपर्टी आती जाएगी वैसे वैसे हमने अप्लाई करना है। अब आपके पास यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा, तो बेस चेंज फॉर्मूला अगर मैं बेटा लगाता हूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, वन अपॉन लॉग ऑफ कितना ए अपॉन में कितना लॉग ऑफ कितना बेटा बी प्लस सी, और यहां पे लगाओगे तो लॉग ऑफ कितना बन जाएगा, ए अपॉन में कितना लॉग ऑफ कितना है सी माइनस बी, ठीक है। अब उसके बाद अगले स्टेप में चलिए नेक्स्ट उसमें करते हैं बेटा, अगर मैं इसी को रिवर्स करके लिख दूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, वन अपॉन कितना लॉग ऑफ बी प्लस सी अपॉन में कितना बेटा लॉग ऑफ ए, ठीक है, और प्लस ये वन अपॉन कितना लॉग ऑफ सी माइनस बी और अपॉन में कितना लॉग ऑफ ए। अब यहां पे दोबारा आपका ये बन रहा है लॉग एम अपॉन लॉग एन, इसको बैक करके लगा दीजिए आप, तो आपके पास कितनी वैल्यू बन जाएगी, ये बन जाएगा कितना वन अपॉन log of कितना बेटा b प्लस सी टू बेस कितना बन जाएगा a, और वैसे ही अब यहां पे क्या बन जाएगा, वन अपॉन कितना log of c माइनस b टू बेस a, तो ये आपने प्रॉपर्टी बैक करके लगा दी, ठीक है। अब उसके बाद बेटा हमने क्या करना, इसका एलसीएम लेना, तो आपके पास बन जाएगा log of कितना b प्लस सी टू बेस a और इन टू में कितना log of c माइनस b टू बेस कितना है a, ठीक है बेटा। अब उसके बाद क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लॉग ऑफ कितना c माइनस बी टू बेस a और प्लस लॉग ऑफ कितना बन जाएगा b प्लस सी टू बेस a, तो चलिए बेटा इस पर चेंज करते हैं इसको दोबारा से, आपके पास क्या बन जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई करना है मैंने यहाँ पे log m प्लस log n बेस सेम है, तो आपके पास प्रॉपर्टी बन जाएगी log of n प्लस log n इक्वल टू log of कितना m इंटू n। तो चलिए स्टार्ट वैल्यू पुट करते हैं इसकी, तो आपके पास कितना बना ये log m प्लस log n, तो लगाइए प्रॉपर्टी इसमें log of कितना है बेटा c माइनस b इंटू c प्लस b टू बेस कितना है a। अब उसके बाद अपॉन में आपका एज इट इज कितना बन जाएगा log of b प्लस सी टू बेस a और इनटू log ऑफ कितना c माइनस बी टू बेस a, तो ये आपके पास आ चुका है। अब यहां पे क्या बना c माइनस बी इंटू सी प्लस बी, क्योंकि मैंने ये वैल्यू भी तो आपको कंडीशन दे रखी है, तो आपके पास क्या बन जाएगा बेटा log ऑफ कितना c स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर टू बेस कितना a अपॉन में कितना log ऑफ
बी प्लस सी टू बेस कितना ए और इन टू लॉग ऑफ सी माइनस बी टू बेस ए। अच्छा अब सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू डाल दीजिए, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू डालोगे तो बेटा आपके पास क्या बन जाएगी ए स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पे मैं इसको मिटा रहा हूँ अब क्योंकि इस वैल्यू का यूज हो चुका है, तो वैल्यू का यूज करिए बेटा लॉग ऑफ कितना ये बन गया ए स्क्वायर टू बेस ए, टू बेस कितना है ए और अपॉन में कितना बन गया एज इट इज लॉग ऑफ बी प्लस सी टू बेस ए और इन टू लॉग ऑफ सी माइनस बी टू बेस ए। अच्छा इस पावर को आगे लाइए तो आपके पास बन जाएगा लॉग ऑफ ए टू बेस कितना ए, ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास कितनी बार क्योंकि बेस और जिसका लॉग निकालना वो बराबर है। तो अब नीचे डिनोमिनेटर में आपका एज इट इज लॉग ऑफ कितना है बी प्लस सी और टू बेस ए और ये कितना है लॉग ऑफ सी माइनस बी टू बेस कितना है बेटा ए, ये वैल्यू आपके पास आ गई बार है ना, तो आपके पास बना टू। अच्छा अब यहां पे अब देखिए मैंने क्या करना बेस चेंज फॉर्मूला लगाना है इसका, तो अब यही डिनोमिनेटर में है तो बेटा ये रिवर्स करके क्या बन जाएगा लॉग ऑफ किसका ये बन जाएगा ए का और ये बेस कितना बी प्लस सी और ये भी वन अपॉन इसमें है तो ये भी क्या बन जाएगा बेटा लॉग ऑफ, अब इसको चेंज करिए क्या बन जाएगा ए टू बेस कितना सी माइनस बी और ये रहा आपका रिक्वायर्ड आंसर राइट हैंड साइड। तो नेक्स्ट नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे बेटा, थैंक यू।